हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो कई का जनन है, उसका बेस तो हमने देख लिया, मतलब उसके अंदर मेनली प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। क्योंकि उसके सारे जो आगे के टाइप्स हैं वो चीज़ें हमें पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो जनन वास्तव में होता क्या है, उसके अंदर प्रोसेस क्या होती है। चीज़ तो वही चलेगी लेकिन तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो वो हमारा हो गया। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जनन के प्रकार कौन कौन से, ठीक है। तो वो हमने पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे अभी हम, जो रिप्रोडक्शन होता है उसके टाइप कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टॉपिक है हमारा किसके टाइप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। कायिक जनन के प्रकार, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखिए टाइप्स हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये जनन है वो सबके अंदर अलग अलग तरीके से होता है, तो वो किस किस तरीके से होता है उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब हमने यहाँ पे बोला कि जो कायिक जनन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके अंदर जैसे अगर हम टाइप्स की बात करें तो उसको किसके अंदर पढ़ेंगे हम, इसके अंदर हम जो आर्टिफिशियल तरीके से होता है, जो कृत्रिम तरीके से होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, देखिए मेनली तो यही है। कायिक जनन हो गया, लेकिन वो तो क्या थे हमने कि टाइप्स, वो तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे मेनली जो है वो किस से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन जिसको हम बोलते हैं, वो कृत्रिम कायिक परिवर्तन किस किस तरीके से होता है, मेनली उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे कैसे होगा, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं, वो टाइप कौन कौन से हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, वो चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला आता है इसके अंदर कौन सा, कटिंग। पहला कौन सा है, कटिंग। दूसरा आता है इसके अंदर ग्राफ्टिंग। दूसरा कौन सा है, ग्राफ्टिंग। और थर्ड कौन सा आता है इसके अंदर, कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, थर्ड आता है इसके अंदर लेयरिंग, ठीक है। ये मेथड्स जनरली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो मेथड्स हैं वो क्या क्या होते हैं, वो किस किस तरीके से काम करते हैं, इन्हीं से क्या करना है, मतलब लेकिन तरीका क्या होगा, वो कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करेंगे, जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में बारी बारी से पढ़ना है कि ये टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके अंदर मेनली प्रोसेस क्या क्या होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा ले रहे हैं हम, पहला जो पार्ट हम कौन सा, कटिंग, कटिंग वाला ले रहे हैं। आपको कई जगह पे कर्तन मिल जाएगा ये हिंदी में। अब देखिए, अब हमें जो कटिंग है या फिर कर्तन जो प्रोसेस होती है किसकी विधि, कृत्रिम तरीके से जो कायिक जनन किया जाता है उसकी विधि है। क्योंकि देखिए कृत्रिम तरीके से क्यों मान रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग बताया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी इच्छा जैसा प्लांट हम पैदा करना चाहते हैं, वांछित गुणों वाला प्लांट पैदा कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ प्राप्त कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस कैसे होगी उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले से पादप के कायिक भाग होंगे, उन्हीं कायिक के जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है। हमने यहाँ पे बोला कटिंग या फिर कर्तन, अब वो कटिंग होगी क्या, पहले यही तो पता होना चाहिए कि कटिंग क्या होगी, तभी तो हम जाके इसके अंदर उस कटिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन क्या होगा, कैसे होगा, वो प्रोसेस हमने पढ़नी है, ठीक है।
अब हम कटिंग किसको बोलेंगे सबसे पहले तो ये बात हम करते हैं। देखिए प्लांट के अंदर मेन पार्ट्स क्या होते हैं, जड़ होते हैं, तना होते हैं, पत्ती होते हैं। वो कैसे हो, वो पूरी तरह से विकसित हो या फिर बोल सकते हैं पूर्ण विकसित हो, और कैसे हो, वो स्वस्थ हो। तो एक ऐसा खंड पादप का, जड़ तना पत्ती का ऐसा खंड जो पूर्णतः स्वस्थ हो और विकसित हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कर्तन कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम दे सकते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन आपसे इजीली पूछ सकता है। प्लांट के रूट, स्टेम और क्या लीव्स, इनके स्वस्थ और पूर्ण विकसित भाग को, पूर्ण विकसित खंड जो होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको कटिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कटिंग क्या होता है। अब आपका समझ में आ गया किसको बोलें, क्योंकि हमने मेथड क्या पढ़ा है, हमने कटिंग पढ़ा है। तो कटिंग क्या होगी, अब कटिंग तो मेनली क्या, कायिक जनन है, तो किसका यूज लेंगे, जड़ के, तने का, पत्ती का, और इनका स्वस्थ एक हेल्दी पार्ट क्या कहलाता है, वो कटिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसी से हमें आगे की जो पूरी प्रोसेस है वो पढ़ रही है, किसकी कि कायिक जनन है वो किस तरीके से होता है, मेनली उसके अंदर कौन सा जो कृत्रिम कायिक परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अब इतना जो पढ़ा आपको समझ में आया, अभी देखिए नेक्स्ट बात हम इसके अंदर करते हैं। ये जो कटिंग है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें मेनली इसके अब क्या पढ़ेंगे कि इसकी जो प्रोसेस होती है इस जनन की वो कैसे होती है, कटिंग के द्वारा जो कायिक जनन है वो कैसे होगा। देखिए कटिंग तो हमने ले लिए, कोई भी एक ऐसा हेल्दी पार्ट लिया है, उसका क्या होगा, उसका जो कुछ हिस्सा होगा, उसके जो कुछ इसका पार्ट होगा, उसको क्या कह दिया जाएगा, फर्स्ट स्टेप टू स्टेप चलेंगे, उसको नम मिट्टी के अंदर दबाएंगे। पहला स्टेप जो कटिंग होगी, उस कटिंग का क्या कुछ हिस्सा, उसके कुछ पार्ट को क्या करना है, मिट्टी में दबाना है। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, पादप के लिए तो नमी बहुत जरूरी है। नम मिट्टी में क्या करते हैं, उसको दबाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पादप के अंदर हम लगातार क्या देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, वो किस लिए, ताकि वो जो प्लांट है वो कैसे रहे, वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो इसीलिए क्या क्या उसका जो कटिंग का कुछ पार्ट था, क्योंकि प्रोसेस क्या है, कटिंग है, तो इसके अंदर मेथड कैसे होगा, कटिंग तो यूज़ होगी ही। देखिए कटिंग का कुछ भाग क्या हो जाएगा, उसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे, ये प्रोसेस हो गई। अब जब उस पार्ट को नमी मिलेगी, उसको मिट्टी के अंदर हमने दबाया, उसको जब नमी मिली, उसको परिस्थिति ऐसी मिली है, तो नमी कौन लेती है, जड़ें लेती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी। क्या होंगी, जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी। हो गया अब तक आपको समझ में आया कि मिट्टी के अंदर कुछ पार्ट जो दब गया है, उससे क्या हो गया, उसके अंदर जड़ें उत्पन्न हो गई है। अब क्या होगा, अब जब उसके अंदर जब जड़ें विकसित हो गए तो उससे क्या बनेगा, पूरा प्लांट बनेगा। ठीक है, जिस हिस्से को दबाया है तो उसे जड़ें विकसित हो गए, धीरे धीरे उसे पूरा ऐसे करते करते पूरा जो पादप होता है वो विकसित हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसके अंदर क्या बताएंगे, अगला स्टेप हम इसके अंदर बताएंगे कि जो जो जैसे जिस पौधे से मेनली जिस कौन सा पौधा था, जिस भी पौधे का भाग, उसको क्या बोलते हैं, उसको मातृ पौधा बोलते हैं, मदर प्लांट बोलते हैं। तो उस मदर प्लांट के जैसे क्या, जब दूसरे के अंदर जड़ें उत्पन्न लग गई तो क्या हो जाएगा, नया प्लांट विकसित हो जाएगा उससे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो मदर प्लांट होगा उसी के समान जो नया पादप बनेगा, मदर प्लांट के समान कौन सा नया पादप, जिसके अंदर जड़ें विकसित हो गए, नए पादप का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसका क्या, एक तरीके से नए पादप का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, नए जो प्लांट्स है उसका निर्माण हो गया। अब धीरे धीरे आगे की जो प्रोसेस होती है वो होगी। ये जो प्रोसेस है इसका अगर हम देखें कि ये प्रोसेस मतलब किसके अंदर जनरली हो सकती है, मतलब किसके अंदर इस विधि का यूज किया जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले इतना जो पार्ट है मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया, आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा तो आप लाइक का बटन दबाइए और बताइए कि आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जितना हो सके वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हम आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो सभी सब्जेक्ट का वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। क्योंकि देखिए
हम यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, आपको हम ए टू जेड सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे, तो वही चीज़ हमें करनी है। बट इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर कीजिए, इसलिए हम आपको सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे। तो ना तो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है कहीं, ना आपको अलग से पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है, बट आपको बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम पूरा आपको पूरा जो मैटर है वो प्रोवाइड करवा सके। सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम तो आपको पूरा सिलेबस देंगे, तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसके लिए उसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसके लिए जैसे हमारा नया वीडियो अपलोड आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ है, इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो वो रेगुलर रहेगा आपका, टॉपिक टू टॉपिक आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर पीछे के भी सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, चैप्टर टू चैप्टर। तो आपको कहीं उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि आपको टॉपिक डाल के ढूंढना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। इसलिए आपको ना तो इधर उधर कोई कोचिंग जाना है, ना पैसा वेस्ट करने की जरूरत है। हम आपको पूरा आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाएंगे, यहाँ पे पूरा मैटर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। बट इसके लिए आपको वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। तो देखिए ये प्रोसेस हम कौन से पढ़ रहे हैं, हम कटिंग की प्रोसेस करें, कर्तन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको शुरू से शॉर्ट से बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि बारी बारी चलते चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहली बात तो कौन सा जनन है, कृत्रिम जो काय परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं, जो कृत्रिम तरीके से होता है वो है, पहली बात हो गई। देन हमने इसके टाइप्स बांटे, कौन कौन से, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, तीन पार्ट हो गए, याद हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस क्या होगी मेनली। हमने क्या बोला, कटिंग, तो सबसे पहले देखिए आप रटिए मत कुछ भी, आप सीधा सीक्वेंस याद रखिए। मैं हमने बोला कटिंग तो मतलब कटिंग से होगी, अब वो कटिंग क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया है। कटिंग का मतलब ऐसे स्लाइड, ऐसा खंड, ऐसा टुकड़ा, किसका, जब प्लांट के अंदर पड़ रहे हैं तो प्लांट का ही होगा, प्लांट है, प्लांट का जड़ है, तना, पत्ती, तो इनका एक पार्ट जिससे मतलब पूरी तरह से जो हेल्दी होते हैं वो क्या होता है, वो कटिंग होता है। उसी कटिंग के द्वारा क्या किया जाएगा, ये पूरी प्रोसेस की जाएगी। जैसे उसको मिट्टी, नम मिट्टी के अंदर दबाए, क्योंकि उसको मिट्टी मिली, उसको पौधा भी होता है मिट्टी के अंदर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, खड़ा रहता है, तो उसके लिए मिट्टी ज़रूरी है। दूसरी बात, नम मिट्टी है, नम का मतलब उसके अंदर पानी भी है, तो ऐसी कंडीशंस जो होती है वो किसी भी प्लांट्स के लिए क्या करती हैं, ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो देखिए तो ये इस तरीके से क्या होता है, नया पादप बनता है। जैसे अब वही बात आती है, जब मेन प्लांट था उससे क्या होने लग गया, दूसरे पादप के जड़ें विकसित होने लगी, जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग लिया उसका, मान लीजिए जड़ वाला भाग था, पत्ती वाला भाग था, तो उससे क्या बन गया, नए प्लांट बन गया, तो पूरी तरह से विकास होगा तो वहाँ से अलग हो जाएगा पूरा, उस पर थोड़ी रुक सकता है। तो इस तरीके से होते कटिंग की प्रोसेस। अब देखिए मैं ऐसे आपको अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि ब्रायोफिलम का एक एग्जाम्पल, वो अलग से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, किसका, ब्रायोफिलम का। देखिए ब्रायोफिलम के अंदर जो क्या होता है वो पत्ती के द्वारा होता है, चीज़ मैं आपको लिखवा चुकी हूँ पहले, लीव्स के द्वारा होगा। इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसकी जो पत्ती होती है उसको अगर आप इसे मिट्टी, नम मिट्टी है, ऐसी कंडीशंस इसको मिलती है जिसके अंदर प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकता है। देखिए पत्थरचट्टा की जो पत्ती होती है उसको अगर आप नम मिट्टी के अंदर दबा देते हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद में सब कलिकाएं निकलने लग जाएंगी नए पादप बनने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, कौन सा जनन है, ये कायिक जनन होता है। कायिक जनन मतलब कायिक भाग से, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कायिक भाग होते हैं। पत्ती जो है उसको नम मिट्टी के अंदर दबा तो क्या होने लग गया, नए पादप का निर्माण होने लग गया, कलिकाएं निकल लग गए, फिर जाकर नए पादप का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, जनन की मेनली प्रोसेस है वो होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने कौन सा पढ़ रहे हैं, हम कटिंग पढ़ रहे हैं। तो ये जो कटिंग मेथड जो होता है ये किस पादप के अंदर कर सकते हैं, देखिए जैसे अंगूर, अंगूर है, गुलाब, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ये इस तरीके के जो पौधे होते हैं, इनसे जनरली क्या, एक तरीके से मतलब कोई भी जो प्लांट जो मतलब एक तरीके से व्यवसाय जिनका जिसके लिए यूज है, तो जिनका मतलब व्यापार के लिए यूज लिया जाता है इन प्लांट्स का, कुछ मतलब जहाँ पे सिर्फ जो गुलाब है उसकी खेती की जाती है, कहाँ पे कुछ अंगूर वगैरह इनका प्रवर्धन किया जाता है, तो उनके अंदर, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, पेड़ चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसके अंदर की जाती है, अंगूर है, गुलाब है, इनमें भी, या फिर कैसे जो पौधे व्यावसायिक महत्व के हैं, जिनका क्या
व्यावसायिक रूप से क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो उन प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रवर्धन के लिए कौन सी विधि यूज ली जाती है, कटिंग मेथड यूज लिया जाता है, कटिंग मेथड यूज लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इस तरीके से प्रोसेस होते हैं किसके अंदर, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसके पहला मेथड कटिंग के जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, तो ये चीज़ आपको उसके अंदर ध्यान रखने की, उसके अंदर कैसे कैसे किस किस तरीके से प्रोसेस होगी, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना पार्ट जो है वो आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर मैं बात करती हूँ आज के क्वेश्चन की, कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए, जनरल हमने पढ़ा है, आपको बताना है कुछ आज अलग हटके, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो हम पूछते हैं कि जैसे कोई भी प्लांट है उससे हमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे दो फलों के नाम बताने हैं जिनकी हम मध्य वित्ति खाते हैं। देखिए, प्लांट के अंदर तीन वित्ती, अंत, मध्य और बाह्य वित्ती। तो आपको ऐसे दो फ्रूट्स के नाम बताने हैं जिनकी हम मध्य फल वित्ती खाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिनके हम क्या खाते हैं, कि जो मध्य फल वित्ती होती है वो खाते हैं, ठीक है। आप सब खाते हो तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।